सतना में एक और कोरोना संक्रमित मिलने के बाद सूबे में हड़कंप मच गया है, क्योंकि यहां लगातार कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़ती ही जा रही है। इस संक्रमित के साथ अब सतना में संक्रमितों का आंकड़ा बढ़कर 8 हो गया है। प्रशासन अब रिपोर्ट मिलने के बाद संक्रमित से जुड़े अन्य कॉन्टैक्ट तलाशने में जुट गई है। ग्रीन जोन में शामिल हो रहे सतना के लिए अब ग्रीन जोन में बने रहना मुश्किल हो गया है। वजह उसकी साफ है कि कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़ती ही जा रही है। वॉइस ऑफ राइट्स के लिए रामनगर से धर्मेंद्र वर्मा की रिपोर्ट। पति का नाम अशोक पटेल है, 40 साल की है महिला और ये कड़ोदरा से आई हुई है। इसकी हमने ट्रेसिंग वहाँ से मिली थी, सूरत से ही मिली थी। तो सूरत में ये रंजीत पटेल के घर के बगल में, दो घर बाद ही रहते थे ये लोग वहीं पर, और ये वहाँ से 4 तारीख को निकले हैं और यहाँ पर रामनगर सीधे हॉस्पिटल आए हैं। रामनगर हॉस्पिटल करीब शाम को 6 बजे आए हैं, फिर इसके बाद 6 तारीख को पहुँचे हैं रामनगर, और फिर इसके बाद ये यहाँ पर एग्जामिनेशन करा के फिर चले गए हैं अपने घर। उसके बाद हमको जब 9 तारीख को रिपोर्ट मिली है अंकित पटेल के कॉन्टैक्ट हिस्ट्री और सूरत से जो हिस्ट्री मिली है, तो उसमें इनका नाम था, इसलिए हमने इनको वहाँ से घर से बुलाया है, यहाँ तब से क्वारंटाइन सेंटर पर रखा है। आज सर इनके पति और बच्चों की भी रिपोर्ट आई है, वो क्या है रिपोर्ट? बच्चों की सैम्पलिंग नहीं कराई गई है, पति की सैम्पलिंग कराई गई थी तो उसमें उनकी रिपोर्ट निगेटिव आई हुई थी। ठीक है।